नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ट्रिपल मार्कर टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रिपल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी में किया जाने वाला एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, जैसे कि मल्टीपल मार्कर टेस्ट, मल्टीपल मार्कर स्क्रीनिंग या AFP+। यूजुअली ट्रिपल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी के 15th to 20th वीक के बीच में किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि पेट में पलने वाले बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं। ट्रिपल मार्कर टेस्ट 3 इम्पॉर्टेंट मार्कर्स को डिटेक्ट करता है, उनकी लेवल जानता है, नेमली AFP यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन और लास्टली ईस्ट्रायोल। अगर किसी में चौथे मार्कर का सजेशन दिया जाए, नेमली इनहिबिन ए नाम के मार्कर का अगर सजेशन दिया जाए तो उसे क्वाड्रिपल मार्कर कहा जाता है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह होता है। इस ब्लड टेस्ट में हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर लेबोरेटरी में इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। इस टेस्ट के साथ कोई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड नहीं होते। इस टेस्ट के साथ कोई साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड नहीं होते। इस टेस्ट के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। इस ब्लड टेस्ट के द्वारा 3 इम्पॉर्टेंट मार्कर्स को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले होता है AFP यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है जो पेट में पलने वाले बच्चे के लिवर में से सिक्रीट होता है। अगर किसी में AFP की लेवल ज्यादा पाई जाए तो उस बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अल्टरनेटली ऐसी कंडीशंस में हाई अल्फा फीटोप्रोटीन होने की वजह से बच्चे का पेट बंद हो पाने में दिक्कत आ सकती है। फिर होता है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। इस हार्मोन की लेवल से ये समझ में आ सकता है कि प्रेगनेंसी सही से जा रही है या नहीं। अगर किसी में HCG की लेवल एक्सपेक्टेड से कम पाई जाए तो उन औरतों में मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर HCG की मात्रा बहुत ज्यादा हाई पाई जाए तो ये मोलार प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकता है। फिर आता है ईस्ट्रायोल। ईस्ट्रायोल एक टाइप का ईस्ट्रोजन होता है। अगर किसी में ईस्ट्रोजन की लेवल कम पाई जाए तो उन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। खास तौर पर अगर उन बच्चों में AFP की मात्रा कम और HCG की मात्रा ज्यादा पाई जाए तो डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट का सुझाव ज्यादातर हाई रिस्क विमेन में किया जाता है। हाई रिस्क विमेन मतलब अगर किसी की प्रेगनेंसी के दौरान उम्र ज्यादा हो, 35 ईयर्स से ज्यादा उम्र हो, या फिर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, प्रेगनेंसी के पहले बहुत ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया हो, या फिर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो, ऐसी औरतों को हाई रिस्क माना जाता है और उन औरतों में ट्रिपल मार्कर टेस्ट का सुझाव किया जाता है। अगर किसी में AFP की लेवल एबनॉर्मल पाई जाए तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चे में स्पाइना बाइफिडा नाम की कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर किसी में HCG की लेवल कम पाई जाए तो ये मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन का एक संकेत हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर HCG की लेवल बहुत ज्यादा हो तो ये मोलर प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है। अगर किसी में ईस्ट्रायोल की लेवल अबनॉर्मल पाई जाए तो ये
डाउन सिंड्रोम का एक लक्षण हो सकता है। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 की वजह से होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अगर किसी में ट्रिपल मार्कर की टेस्ट एबनॉर्मल पाई जाए तो उन औरतों में फर्दर स्टडीज यानी कि फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट का सुझाव दिया जा सकता है। ज्यादातर कंफर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस नाम की एक टेस्ट का सुझाव दिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस मतलब जिस पानी में बच्चा तैरता है उस पानी की स्टडी होती है। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट मानी जाती है। लेकिन अगर आपको ट्रिपल मार्कर टेस्ट का सुझाव दिया गया है तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।